भारत और मालदीव विवाद के बीच कुछ ऐसा अपडेट सामने आया है जिसे सुन आप हैरान हो जाओगे दोस्तों। इस बात को आप जानते होंगे कि इससे पहले भारत और मालदीव के बीच बहुत ही अच्छा रिश्ता था, लेकिन जब से मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मैजू बना है तब से मालदीव और भारत के बीच का रिश्ता दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा है। और ये देख मुझे लगता है कि मालदीव का हाल कहीं श्रीलंका जैसे नहीं हो जाए, क्योंकि मालदीव अभी चीन का बहुत ही बड़ा चमचा बन गया है। लेकिन मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मैजू शायद इस बात को भूल रहा है कि जो देश चीन का चमचा बना, जो चीन का बात माना, वो देश अभी तक बर्बाद हो गया। क्योंकि आप इस बात को जानते होंगे, चीन नहीं किसी का है और नहीं कभी किसी का होगा। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि भारत और मालदीव के बीच अचानक यूक्रेन का एंट्री हुआ है। यूक्रेन ने भारत का नाम लेकर एक ऐसी चीज का मांग किया है जिसे मालदीव के सरकार ने अगर सुन लिया तो उसे समझ में आ जाएगा कि भारत के पास क्या शक्ति है। दोस्तों मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मैजू ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलने के बाद मोहम्मद मैजू ने शी जिनपिंग से कहा कि अब मुझे भारत के बढ़ते प्रभावों और ताकत से डर लग रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मालदीव इतना ज्यादा गिर सकता है, ये बात किसी को पता नहीं था, जबकि मालदीव दशकों से भारत की मदद पे पल रहा है। लेकिन आज के दौर में वो शी जिनपिंग के कहने पर भारत को गाली दे रहा है। दोस्तों मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मैजू बहुत ही बड़ा गलतफहमी में पल रहा है। उसे लगता है कि हम चीन के सहारे अपने देश को बहुत ही अच्छा बना लेंगे, लेकिन उसे इस बात को पता नहीं है कि जो देश चीन के पीछे गया, जो देश चीन पे विश्वास किया, वो देश अभी तक बर्बाद हो गया है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो कि श्रीलंका का क्या हाल हो गया है, पाकिस्तान का क्या हाल हो गया है। लेकिन इस बात को आप सही से लिख लीजिए दोस्तों, जो यूक्रेन आज भारत से कहा है वही बात कल मालदीव भी भारत से कहेगा। दरअसल दोस्तों आप इस बात को जानते होंगे कि रूस यूक्रेन को पूरा पूरी बर्बाद कर दिया है। रूस अभी भी कहां शांत हुआ, वो जब चाहे तब जो है सो यूक्रेन पे हमला कर देता है। लेकिन यूक्रेन को सबसे बुरा उस समय लगा जब अमेरिका ने कुछ दिन पहले रूस से तेल खरीदना शुरू कर दिया। आप इस बात को जानते होंगे कि अमेरिका ने ही यूक्रेन को रूस से लड़वाया था और रूसी तेल पर प्रतिबंध लगाया था। लेकिन अब वही अमेरिका ने यूक्रेन जंग के पूरे 17 महीने के बाद यूक्रेन को मरता छोड़ रूस से तेल खरीदना शुरू कर दिया। और हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पूरे खुल के बोला था कि अगर अमेरिका अगर यूक्रेन का सपोर्ट करना छोड़ दे तो रूस उस पे कब का नहीं कब्जा कर लिया रहता। अगर यूक्रेन अभी तक टिका हुआ है तो वो केवल अमेरिका की वजह से, और ये बात बिल्कुल सत्य है दोस्तों। अगर अमेरिका और नाटो देश मिलके यूक्रेन का सपोर्ट नहीं करे तो रूस उसे कब का नहीं उड़ा के फेंक दिया रहता। और यही सब देख यूक्रेन एक बार फिर भारत के पास आया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति भारत से गुहार लगा रहा है, हमारे हैबे और बंदरगाह बर्बाद हो चुका है। दरअसल यूक्रेन के राष्ट्रपति का कहने का मतलब है कि भारत हमारे हैबे और बंदरगाह को सही सलामत बना दे, क्योंकि हमारे हैबे और बंदरगाह को रूस ने बर्बाद कर दिया है। लेकिन एक समय था जब यूक्रेन ने भारत को बहुत ही ज्यादा कोसा था, क्योंकि भारत और रूस का बहुत ही ज्यादा नजदीकी है ना, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन में बहुत ही अच्छा खासा दोस्ती है और ये दोस्ती कभी भी टूट नहीं सकता है। लेकिन आज फिर मुसीबत के वक्त में यूक्रेन ने भारत को ही याद किया। आप अनुमान लगा सकते हो कि मुसीबत के वक्त में यूक्रेन भारत के पास आया। और वही अगर आप मालदीव के बारे में सोचिएगा तो मालदीव तो भारत से केवल 7 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। मालदीव चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, और अगर मालदीव के पॉपुलेशन का बात करोगे तो केवल 6 लाख के आसपास है। अगर चीन ने किसी भी तरह से मालदीव में अगर कोई बीमारी फैला दिया तो मालदीव को बचाने के लिए कोई दूसरा देश नहीं आएगा, फिर मालदीव को भारत ही काम आएगा। ऐसे में मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मैजू ने भारत से दुश्मनी मोल लेकर अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दिया है। और आप इस बात को जानते होंगे दोस्तों कि हाल ही में अपने भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप का यात्रा किया था, और इस यात्रा के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोहम्मद मैजू को बताना चाहता है अगर भारतीय लोग मालदीव नहीं जाए तो उसके पास बहुत सारा ऑप्शन है, वो लक्षद्वीप जाके आराम से घूम सकता है, क्योंकि लक्षद्वीप में भी उसे मालदीव के जैसे ही पूरे फैसिलिटीज मिलेगा। लेकिन मोहम्मद मैजू चीन का इतना बड़ा चमचा हो गया है जो उसे आगे पीछे अभी कुछ नहीं दिखाई दे रहा। चीन कितना बड़ा मक्कार है इसके बारे में मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। जो देश चीन पे विश्वास किया वो देश बर्बाद हो गया। जैसे में आप पाकिस्तान को देख सकते हो, श्रीलंका को देख सकते हो, म्यांमार हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये सभी देश चीन पे विश्वास किया था, लेकिन आज ये सभी देश बर्बाद हो गया है। अगर आज के दौर में मालदीव बर्बाद हो जाता है तो उसे बर्बाद करने वाला और कोई नहीं बल्कि मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मैजू होगा।